यहाँ अपने जितने ऑटो टैक्सी वाले भाई आए हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऑटो वाला तो बेचारा डेली कमाता है खाता है, आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे के लिए आए। आज आपके बीच में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई। 7-8 साल पहले जब हमने शुरू में राजनीति में कदम रखा था, दिल्ली के ऑटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार बनी इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी बताऊंगा कैसे है। 70% योगदान ऑटो वालों का है। यहां का मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में उस वक्त ऑटो वालों को लोग बड़ी नफरत की नजरों से देखते थे, कहते थे ऑटो माफिया, ऑटो वाला मीटर से नहीं चलता, ऑटो वाला ज्यादा ओवर चार्जिंग करता है, ऑटो वाले माफिया हैं, ऑटो वाले ये हैं, ऑटो वाले ये, इस तरह की बातें ऑटो वालों के लिए कही जाती थी। जब मैंने ऑटो वालों से बात करनी चालू की तो कुछ लोगों ने कहा देखो अगर तुम इनका साथ दोगे तो सारी जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती, ये लोग जनता को लूटते हैं, तो तुम इनसे बात मत करो। जब मैंने बात की और सारे सिस्टम का पता चला, एक ऑटो वाला सवेरे से शाम तक पुलिस वाले को भी पैसे देता है, सरकारी विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पैसे देता है, आरटीओ वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो कोई सरकार उनका किराया नहीं बढ़ाती। कानून इतने मुश्किल बना रखे हैं, इतने मुश्किल बना रखे हैं कि कोई ऑटो वाला बेचारा चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता, फिर जब वो कहां से निकालेगा पैसा, वो फिर सवारी से 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और आज मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूं कि अगर ये ऑटो वाले माफिया होते तो आज इनके बड़े बड़े महल होते। इन्होंने जितना भी आप कहते हो ये लूटते हैं, जितना भी इन्होंने लूटा वो सारा लूट मार करके भी ये बेचारे झुग्गे में रहते हैं। तो माफिया ऑटो वाले नहीं है, माफिया ये नेता है, माफिया ये पार्टियां हैं जिन्होंने जानबूझ के सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वाले को बेचारा अपनी ईमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदगी नहीं जीत सकता। माफिया कौन है? माफिया वो लोग है जिन्होंने सड़कों के और पता नहीं किस किस चीज के अंदर हजारों करोड़ रुपए के पैसे कमा लिए, अपने प्राइवेट जेट रख लिए, अपने बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली। माफिया वो है या माफिया हमारे बेचारे ऑटो वाले हैं जिनकी जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तड़पता रहता है? तो मैंने वहां पे दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहती, ऑटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है, उनको इज्जत देता है, और दिल्ली की जनता ऑटो वालों को इज्जत देती है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं, क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।